कोठी तगड़ मारी उसको तगड़ है तू ना सीधा इधर दिया टुक 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 हट गई नीचे गया खेल फाइनली वो कवर आ गया जो दी थी मोबाइल के लिए ऑर्डर किया हुआ था तो पावर तो काफ़ी नया स्टाइल का है मतलब ठीक ठाक है मुझे तो बढ़िया लग रहा है जी को दिखाएंगे घर में जाके। हे गाइस गुड मॉर्निंग आप सबको स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। आज तो मुझे उठने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। टाइम देखो एक बार देखो 10:45 बजे है पहले उठ चुका हूँ मैं अभी फेस होने चलता हूँ फेस भी नहीं हुआ हूँ मैं मेरे चश्मा रखने का जगह ही है। वेदर आज का काफ़ी सही है बाकी दिनों के मुकाबले धूप भी काफ़ी कम है और मैं तो अभी जा रहा हूँ रॉयल्टी मोड़ ज़्यादा दूर मुझे जाना नहीं है कुछ सामान लेके आना है तो जल्दी लेके आता हूँ फिर उसके बाद कैफे में भी चलेंगे क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है तो जल्दी जल्दी सब काम ख़त्म करना पड़ेगा। और यहाँ पे धीरे धीरे जंगल बन रहा है इस जगह पे टोटल महबूबा तू है मेरे दिल का अजूबा 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 तब म्यूजिक टेगी ए खाटा भेंगे जाबे कोई अन नूतन खाट किने नहीं आजा हम के को नहीं ले आबो केनो तोर का अनेक पैसा छे ना आईफोन 15 प्रो मैक्स चलास तो तुई आईफोन देखो अभी भी वेदर काफ़ी सही है टैंक भी काफ़ी मस्त लग रहा है बारिश होने के चांसेस तो नहीं है ना आज धूप थोड़ा सा भी नहीं निकला है ना। और ये हमारा जो पंडाल है तो ये तो अभी तक खुला नहीं है गेट वाला ये दुर्गा पूजा के लिए बना था अभी तक नहीं खुला है। और मैं वैसे जा रहा हूँ आज इंडियन बैंक के जो कस्टमर सर्विस है वहाँ पर आज वहाँ पे जाना है क्योंकि आज बाइक नहीं है इसलिए SBI में नहीं जाऊँगा वो काफ़ी दूर है मेन इंडियन बैंक कस्टमर सर्विस ये रॉयल्टी मोड़ के पास में है तो वहीं पे चलते हैं वो सामने होगा वहाँ पे भी मेरा काम बन जाएगा और आज शायद खुला भी होगा वैसे भी 11 बजे खुलता है वो तो मैं तो 12 बजे जा रहा हूँ तो कोई चांसेस ही नहीं है कि ना खुला हो अगर किसी कारण से बंद हो बैंक तो अलग बात है लेकिन होना नहीं चाहिए आज कोई छुट्टी नहीं है। और यहाँ पर क्या काम चल रहा है ऊपर रिपेयरिंग का काम चल रहा है छत पर चढ़े हुए हैं दोनों वाह कस्टमर सर्विस है वो आज बंद है ला कितना ख़राब है ना क्या करें इधर भी दिया हुआ है बोर्ड ये देखिए मैं घुसा था लेकिन बाहर से दिखता नहीं है ना देखो यहाँ से दिखेगा नहीं बंद है अभी कुछ नहीं कर सकते काम तो होगा नहीं और बाइक नहीं है उधर ना जा सकते। दिमाग से बिल्कुल ही हट गया था कि यहाँ पे SBI का भी एक कस्टमर सर्विस पॉइंट है ये वाला जो दिख नहीं रहा है ना अंदर में है तो अभी फिलहाल के लिए वहीं पे दे दिए ऐसा वहाँ पे डिपोजिट हो जाएगा अभी नहीं हुआ वहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा क्योंकि SBI का है ना इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा भीड़ है ज़्यादा कस्टमर्स होते हैं मैं तो खुदा आ रहा है इतने छोटे से रोड में भी एक्सीडेंट हो जाएगा लग रहा है क्या करें चलो चलते हैं रॉयल्टी मोड़ में चलते हैं आगे ही है रॉयल्टी मोड़ से पास में ही हूँ यहाँ पे इलाहाबाद का है और वहाँ पे SBI का एकदम पास था दोनों बगल में ही है मुझे ध्यान नहीं था बाहर निकलने के बाद मुझे याद आया कि यहाँ पे तो SBI का भी है और SBI में भी अकाउंट है तो दिक्कत नहीं है तो वहाँ पे चले देखो कहाँ पर चढ़े हुए मुझे देख लिया चलो हो गया सत्यानाश। और मैं अभी जाऊँगा थोड़ा सा बाहर क्योंकि ये बात नहीं करने दें क्योंकि दी का एक कवर मैंने ऑर्डर दिया था वो आने वाला है तो वो लेके आते हैं मुझे उसके लिए जाना पड़ेगा नॉर्थ बाज़ार में जब हिंदी स्कूल है चलते हैं जब तक मैं रहूँगा तब तक पीछे घूम कर रहेंगे मैं काम करके आता हूँ। फाइनली वो कवर आ गया जो दी थी मोबाइल के लिए ऑर्डर किया हुआ था तो कवर तो काफ़ी नया स्टाइल का है मतलब ठीक ठाक है मुझे तो बढ़िया लग रहा है दी को दिखाएंगे घर में जाके। तभी तो मैं पुल के पास से गुजर रहा हूँ लेकिन आज ऊपर से जा रहा हूँ नीचे पुल है देखो यहाँ पर पुल है मैं जा रहा हूँ यहाँ से मैं आज जाते हुए सोच रहा था मैं तो अभी नॉर्थ बाज़ार में हूँ क्रॉस करना है पुल मैं सोच रहा था कि आज ऊपर से चले काफ़ी दिन हो गए कि ऊपर से नहीं गया हूँ और ऊपर से जाने में मज़ा आता है ये जो ब्रिज है ना ये काफ़ी पुराना हो चुका है तो जाते टाइम हिलता रहता है उसके ऊपर चढ़ेंगे तो हिलता रहता है बहुत पुराना हो चुका है तो मज़ा अलग सा आता है थोड़ा सा टेरिफाइंग है थोड़ा सा डर भी लगता है कि टूट ना जाए लेकिन मज़ा भी आता है। वैसे रेलवे वाला ब्रिज है तो काफ़ी पुराना भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है वो काफ़ी हार्ड होता है तो टूटने का कोई चांसेस है नहीं। ये देखो ब्रिज देख के पता चलेगा कि कितना पुराना है दो ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा एक यहाँ से वहाँ एक उधर से फिर से दो ब्रिज नीचे से पुल इतना ज़्यादा लंबा लगता नहीं है लेकिन लंबा है काफ़ी ज़्यादा। ये देखो यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ पहला वाला लाइन ये देखो गैप देखो
सीढ़ी देखो कितना पुराना हो चुका है, एक के बीच से एक गैप आ रहा है, ढलाई किया हुआ सीढ़ी के। ये क्रॉस करेंगे फिर वो वाला एक है उधर, जल्दी जल्दी क्रॉस करते हैं और घर चलते हैं क्योंकि टाइम भी हो चुका है, घर जाके नहाना पड़ेगा। ये 1:30 बज रहा है शायद मेरे ख्याल से। ये देखो लाइन, ये वाला लाइन किधर जाता है पता नहीं, क्योंकि इस वाले लाइन में मैंने ट्रेन में कभी नहीं चढ़ा। हमारा जो रेगुलर लाइन है जिसमें आसनसोल दुर्गापुर कोलकाता मतलब हावड़ा के लिए ट्रेन छोड़ता है, वो दूसरा वाला उस साइड वाला लाइन है, जो अभी ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद सेकेंड वाला जो ब्रिज आएगा ना, ये देखो ऊपर से दिखेगा, वो वाला लाइन है मेन लाइन। और ये वाला जो लाइन है ये शायद यार्ड में जाता है या फिर गुड्स ट्रेन चलता है इसके लिए है ये सर। ये इतने सारे लाइन है ना, इसमें नॉर्मल रेगुलर वाला ट्रेन चलता है इसमें, और ये ब्रिज में जाना पड़ेगा। इसको क्रॉस करेंगे तो पुल क्रॉस हो जाएगा, वो सामने आगे देखो दिख रहा है पुल, उधर से क्रॉस करके आया हूँ और अभी बीचों बीच में हूँ पुल के। उधर एक पुल है, उधर एक है, और ये दूसरा वाला ब्रिज, ये क्रॉस कर जाऊँगा तो उधर पहुँच जाऊँगा। जब बरसात में काफ़ी ज़्यादा पानी होता है पुल के अंदर तब ये वाला ब्रिज इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल लोग, बाकी नहीं तो रेलवे के एम्प्लॉयज़ करते होंगे मुझे नहीं पता। मैं तो कभी कभार कर लेता हूँ, पानी हो ना हो मुझे अगर मन होता है तो मैं कर लेता हूँ, मज़ा आता है इसमें चढ़ के मस्त छा सकता हूँ। ये वाला ब्रिज तो और भी ज़्यादा पुराना लगता है ऊपर से, वो वाला तो फिर भी सही है, उधर वाला फिर भी सही है, ये वाला काफ़ी ज़्यादा पुराना लगता है। और ये जो लाइन्स है ये मेन है, वो सामने आगे स्टेशन है रेलवे स्टेशन, 25,000 वोल्ट करंट, देख के सावधानी से, हर जगह पे कॉशन दिया हुआ है। और ये देखो साउथ बाजार के पुल का एंट्रेंस यहाँ से। सुबह से हुए तो देखो गाइस थोड़ा सा धीमा धीमा सा है, सुबह में भी उतना तेज़ धूप नहीं उठा था और अभी भी देखो DBC के साइड में उधर आज धुआं धुआं सा लग रहा है। और ऑलमोस्ट 4 बजे के आसपास टाइम है, मैं नहाना ही भूल गया हूँ आज, तो अभी फिलहाल नहाने चलते हैं। मम्मी को पता चल गया कि मैं नहाया नहीं हूँ तो उन्होंने बोल दिया कि उसके बाद मत नहाओ क्योंकि ठंडा लग सकता है, सर्दी लग सकता है, लेकिन बिना नहाएंगे तो भी मज़ा नहीं आएगा। तो अभी चलते हैं, मम्मी नीचे काम कर रही है, इसके बीच में मैं फटाफट नहा लेता हूँ, मम्मी को पता ना चले, क्योंकि अभी तो बाल नहीं है तो नहा के अगर सही तरीके से पोंछ लूँगा तो मम्मी को शायद पता ना चले। वैसे भी ड्रेस चेंज करना पड़ेगा ना नहाने के बाद, उससे पता चल जाएगा, खैर वो बाद में देखेंगे, फिलहाल नहा लेते हैं क्योंकि बिना नहाए उतना मज़ा नहीं आता। और वेदर तो आज काफ़ी वैसे बढ़िया है, धूप नहीं है लेकिन वेदर सही रही है। मुझे लग रहा था कि बारिश होगा लेकिन बारिश अभी तक तो हुआ नहीं, 4 बज रहे अभी तक हुआ नहीं, शाम के टाइम पे अगर होगा तो देखा जाएगा। तभी टाइम हो रहेगा इस 5:40 देखो, और अंधेरा हो चुका है, यहाँ पे धूप भी चला रही मम्मी, तो फिलहाल अभी चलते नीचे कैबिन में, थोड़ा बहुत काम है वो काम करते हैं। थोड़ा जी ब्लॉग को कर देखिए, टाइम हो गए तो बिल्कुल पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है।